हेलो यॉल, हेलो, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड। गाइस, आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है थोड़ा, कि हाउ वुड योर फ्यूचर स्पाउस फॉल इन लव विद यू। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, वो कैसे आपसे मोहब्बत में पड़ जाएंगे, ठीक है, और कैसे ये सब होगा कि वो आपसे मोहब्बत करने लगे, उनको आपसे मोहब्बत कैसे होगी, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आपके बर्थ मंथ हैं। मैं पढ़ देती हूँ अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत है। पाइल 1 सेप्टेम्बर, मई, जनवरी, जून, जुलाई, फरवरी। पाइल नंबर 2 मार्च, अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, जिनको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है, पाइल नंबर 1 स्काई ब्लू क्रिस्टल एंड पाइल नंबर 2 लाइट ग्रीन क्रिस्टल। ओके, चूज योर पाइल। और आपके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यू कैन चेक आउट देयर। हेलो हेलो, वेलकम वेलकम पाइल नंबर 1। तो आपकी एनर्जी हम चेक करने लगे हैं, हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस फॉल इन लव विद यू। ओके, तो हम देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है आपके लिए। लवली, हाउ दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, से होगी उनको आपसे मोहब्बत। 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। एनर्जी पाइल नंबर 1 सबसे पहले ये एनर्जी निकल के आ रही है कि वो आपके जो स्पाउस है ना, दैट इज़ द थिंग, कि उनकी लाइफ में रोलर कोस्टर रहा है हमेशा से, शुरू से ही ना। ही हैज़ ऑलवेज बीन इन इमोशनल रोलर कोस्टर, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रिक्ट, यहाँ तो ये वाइफ है, एक्स वाइफ, एक्स पार्टनर, यहाँ पे ये एनर्जी है किसी स्ट्रिक्ट मदर की, मदर फादर या फैमिली का कोई और मेंबर, या अगर ये अडॉप्टेड चाइल्ड है तो इसके पेरेंट्स ने सलूक इनके साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से ये बहुत दुखी रहा है अपने बचपन में और बहुत डिसअपॉइंटेड रहा है। इसकी लाइफ का सबसे बड़ा जो एक चीज़ है ना, कि इसको कभी किसी ने इनक्रेज नहीं किया, हमेशा डिसअपॉइंट किया है, ठीक है। मतलब इवन फैमिली ना भी हो, ये स्कूल भी हो सकता है, इसके फ्रेंड्स ने बुली किया। कुछ बच्चों में कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं बचपन में, फॉर एग्जांपल कभी कुछ बच्चे होते हैं ना स्कूल में थोड़े से चबी होते हैं, उसका सारा मजाक उड़ाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी की यू नो लुक थोड़ी सी होती है, किसी के बाल ज़्यादा छोटे होते हैं, किसी के बाल ज़्यादा कर्ली होते हैं, तो बच्चों के लिए एक यू नो एक फ़न है दूसरों के लिए, लेकिन जो बच्चे का सफ़र कर रहा होता है वो एक यू नो जिसे कहते हैं ना ज़हनी मरीज़ बन जाता है। दैट इज़ काइंड ऑफ वाइब आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन। मतलब उनको अप्रिसिएशन चाहिए, उनको लव चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, लेकिन यहाँ तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग या फिर कोई बुली का ऐसा चक्कर है जिसकी वजह से वो हमेशा ही अपने आप को डाउन रखा है। लेकिन द थिंग इज़ हियर फॉर द 4 ऑफ वैंड्स, आप एज अ पार्टनर वाइफ या हस्बैंड उनकी लाइफ में जब भी आएंगे, ठीक है, आप हमेशा उनको इम्पोर्टेंस देंगे। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो उनके दिल में आपकी जो है वो जगह बनाएगी, ठीक है। मतलब आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे, उनको ऐसे लगेगा 4 ऑफ वैंड्स के साथ कि माए हार्ट इज़ कम्प्लीट, माई लाइफ इज़ कम्प्लीट। और यह कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जैसे मैं अब कम्प्लीट हो गया हूँ, जैसे कोई मुझे इनक्रेज करता है, जैसे मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट करता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर। दूसरी चीज़ क्या है,
उनको आप किससे मोहब्बत कैसे होगी? एनर्जी है गाइस कि आपकी थोड़ी सी नेचर ऐसी है कि आप थोड़े से क्यूरियस हो, ठीक है? मतलब आप दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करके ना उसकी लाइफ में जानने की कोशिश करते हो। मतलब ये इतना अबैंडन्ड बच्चा रहा है अपनी लाइफ में, इतना यू नो इसको इग्नोर किया गया है कि इसे किसी ने कभी ये भी नहीं पूछा था कि तुम कैसे हो, तुम्हारी हेल्थ कैसी है, तुम फील कैसा कर रहे हो, तुम ठीक हो नहीं हो, ठीक है? मतलब ये तक सुनने को ये बंदा या बंदी तरसा है ज़िंदगी में, और इसको लगा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही है और मैंने ऐसे ही यू नो ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो जाएगी और बस। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि यूनिवर्स बहुत बड़ी है, गॉड बहुत बड़े हैं, हमारी सोचो इमेजिनेशन से कई गुने बड़े हैं। गॉड हर एक को वो पर्सन वो चीज़ देते हैं जिसकी वो डिज़र्व करता है। क्योंकि ये बंदा मुझे दिल का बहुत ही अच्छा लग रहा है और बड़ा ही साफ लग रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप क्योंकि क्यूरियस है, आप यू नो आई एम सीइंग अ बिट क्यूरियस नेचर इन यू। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्होंने वो ऑफिस से आए हैं काम से, तो आपको खाना पूछेंगे, आपने खाना खाया नहीं खाया, भूख है, मैं क्या लाऊँ, ये वो, ये विल बी फीलिंग वेरी स्पेशल कि कोई मुझे खाना पूछ रहा है, कोई मुझे मेरे आगे पीछे फिर रहा है, राइट? दे विल डेफिनेटली एब्सोल्यूटली लविंग दैट एनर्जी इन यू, और आपके क्यूरियस नेचर, आपकी केयरिंग कह लो ज़्यादा चीज़ यहाँ पर। इट्स अ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। गाइस हो सकता है अगर तो उनकी फैमिली से नहीं बनती, जो कि मुझे लग रहा है इतनी ज़्यादा नहीं है इनकी अपने फैमिली में, मतलब घुलना मिलना इतना नहीं है, या इनकी फैमिली से लड़ाई है, आई थिंक ये आपको लेके लदा हो सकता रहें सेपरेट, बहुत शुरू शुरू में ही, बाद में हो सकता है, लेकिन ये नहीं पसंद करेंगे कि आप वहाँ पर रहो अपने ससुराल में, ठीक है? अब आने से हो सकता है आपको बाहर लेकर चले जाएं, मतलब बाहर की कंट्री में, किसी और कंट्री में, या ही कोई अपार्टमेंट शिफ्ट कर लें, या बहुत दूर कहीं जॉब ले लें सिटी से, कि आपकी मजबूरी बन जाए, यू नो अपेरेंटली लगे कि अब तो मजबूरी है जाना दूर, तो ऐसी चीज़ भी हो सकती है। लेकिन आई थिंक ये पर्सन आपको नहीं रखना चाहेगा अपनी फैमिली में, बिकॉज येस देयर इज़ डर्टी पॉलिटिक्स इन योर इन लॉज, ठीक है? डर्टी पॉलिटिक्स क्या होनी है, मतलब इन लॉज में क्या, वो अपने बेटे के साथ ही आई थिंक नहीं है इतने सही, तो आपके साथ आप तो बहुत दूर की बात है, बट डोंट वरी एट ऑल, आपके पर्सन पावर में है, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, ये बहुत काफ़ी इंडिपेंडेंट इंसान है, इसने सारी उम्र खुद पर ही लगाई हुई है, सेल्फ लव किया हुआ है इसने, ठीक है ना? जब कोई लव नहीं करता तो फिर सेल्फ लव करना ही पड़ता है, तो ये आपको लेके हो सकता है कि सेपरेट हो जाएं और बहुत दूर आपको ले जाएं, ताकि वो लोग आपको हर्ट ना कर सकें। वेरी प्रोटेक्टिव एनर्जी, यहाँ देखा फाइव ऑफ सोर्स, आई वॉज सेइंग राइट, आई एम ऑलवेज राइट, नाइन ऑफ सोर्स, यस। अगर वो लोग आपसे झगड़ते हैं, ये बंदा ये नहीं देख पाएगा कि आपसे कोई झगड़ा है या आपके यू नो मुँह मारी कर रहा है, ये विल लिटरली बी लाइक नो, इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, हर दफ़ा हर बात में ये खुद आ जाएंगे आपको प्रोटेक्ट करने। वाओ, वेरी पोसेसिव एंड प्रोटेक्टिव मैन। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि इतने इनको कमी नहीं थी रिश्तों की, प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन मुझे एनर्जी बता रही हूँ मैं, इनके पास ऑप्शंस थी मैरिज के लिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि इंडिपेंडेंट इंसान है, अलहदा रह सकता है, अलहदा घर अफोर्ड कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, दैट्स वाई ही हैड अदर ऑप्शंस एज वेल। और अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, आपको पता ही कौन है, ही स्टिल हैज़ अदर ऑप्शंस, लड़कियाँ हैं लड़के हैं उनकी नज़र में, लेकिन टू ऑफ वैंस की एनर्जी बता रही है कि जिस तरह से करीब से इन्होंने आपको देखा, जो चीज़ें इनको आप में नज़र आई है कैरिंग नेचर, वो चीज़ इनको लगता है कि कोई आसमान से परी भी, हुसन की परी, हुसन की देवी भी उतर के आ गई ना, तो मुझे कोई ये चीज़ नहीं दे सकती जो मुझे ये देती है। ये इंसान अटेंशन का भूखा है, मोहब्बत का भूखा है,
केयर का भूखा और उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एंड आई थिंक राइट नाउ उनकी करंटली भी अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, आई कैन सी के बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके, वरना फाइनेंशियली ये साउंड है इंसान, ठीक है। यू सी हैंगमैन एंड टू ऑफ कप्स, आई थिंक गाइज आपसे मिलने के बाद डेफिनेटली इस पर्सन को लगेगा मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है, ठीक है। और हैंगमैन लिटरली ही बी स्टक ऑन यू, यानी कि फिनिश द सर्च, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो कि ये बंदा ये बंदी कभी ज़िंदगी में भी आपको धोखा देगा या थर्ड पार्टी में डालेगा, क्योंकि उसको यू नो वो एक है, एक हम बात बनी है ना कि अल्लाह अल्लाह करके कोई चीज़ मिलना बड़ी मुश्किल से मिलना, या कहना कि यू नो बड़ी मुश्किल से उनको एक ऐसी डिज़ायर्ड चीज़ मिली, तो वो उसको खो नहीं सकते। बहुत पैशनेट रहेगा ये इंसान आपके लिए, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गाइस, इंसान एक के अंदर इनर चाइल्ड है इसका, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली वूंड हो चुका होगा जो हालात रहे हैं इनके पास्ट में। तो ये इंसान एक एज आ मदर फिगर चाह रहा है अपनी वाइफ में, या अगर ये लड़की है तो हस्बैंड में फादर फिगर ढूंढती है, क्योंकि इसको प्यार नहीं मिला, ठीक है। तो ये वेल लिटरली बिल्कुल, क्योंकि लाइट नाइट वर्सेस क्वीन लाजमी नहीं आपसे एज में छोटे हों, लेकिन ये हरकतों में आपसे छोटे होंगे, मेंटल लेवल मेच्योरिटी, ही विल ऑलवेज बी क्रेविंग फॉर यू, आपके गोद में सर रखना, शौकी शरारत करना, या यू नो चाइल्डिश हरकतें करना कभी कभी, आपके साथ प्रैंक्स करना, मजाक करना, या फॉर एग्जांपल आपने कुछ कहा था मेरे लिए लेके आना तुमने आज, और वो लेके आए लेकिन आपको तंग कर रहे हैं, मैं तो भूल गया, मैं तो लेके नहीं आया, ऐसी ऐसी बातें, ठीक है। तो या जानबूझ के झूठ मूठ एनिवर्सरी भूल जाना, लेकिन प्लान बहुत बड़ा किया होना सरप्राइज़ एनिवर्सरी का, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखने को मिल रही है यहाँ। तो ऐसी चीज़ें हैं इस पर्सन की ना, मैजिशियन, वेल टैलेंटेड बहुत है ये पर्सन, ठीक है। और आपकी जो एनर्जी है ना, अच्छा आप भी ना एक बिल्कुल एक मैजिशियन की तरह हो उनकी नज़र में। फॉर एग्जांपल मतलब आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी मिल रही है ना, मैं अभी आपको क्या बताऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनको कुछ बटर चिकन खाना है, ठीक है, या इनको कोई बर्गर खाना है फॉर एग्जांपल, और यू विल लिटरली बी लाइक दिस कि मैं अभी लेके आई, ऐसे चुटकी बजा के, ठीक है। उनको समझ नहीं आती कि ये इतनी जल्दी कैसे कर लेती है, ये इतना जल्दी अरेंजमेंट कैसे कर लेती है, मेरी हर ख्वाहिश कैसे पूरी कर देती है। तो इट्स क्वाइट एस्टोनिश्ड, हालांकि कोई बात नहीं है, टाइम तो उतना ही लगता जितना लगता है, लेकिन मुझे मैंने बताया ना इनको अटेंशन नहीं मिली अपनी मदर की तरफ से, या कोई और इनका कुछ मसला, ठीक है। तो जब आपसे इनको सब कुछ चीज़ें मिलती तो उनको अजीब सा लगता है कि लाइक ये कैसे पॉसिबल, ये कैसे कर लेती है, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा ऐसा, ठीक है। तो इस क्वाइट जिसे कहते हैं ना तरसा हुआ इंसान, आई एम सॉरी टू से, लेकिन जो मेरे पास और कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, प्यार के लिए तरसा हुआ है। और जब इसको यू नो भूखे को खाना मिलेगा तो ऑब्वियसली वो तो एक्साइटेड होगा, वो तो खुश होगा, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ना खुश होने वाली, या यू नो कुछ भी ऐसा हो कि वो परेशान हो या आपको पसंद ना करे। तो आपकी एक मैजिकल सी अपीयरेंस, आपका यू नो एक मैजिकल सा ऑरा, ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और आपकी प्यार मोहब्बत, इसलिए आपसे मोहब्बत में पड़ जाएंगे, एंड दे विल लिटरली बी मैडली इन लव विद यू। सो अ लव मैसेज हैं बहुत ढेर सारे आज हमारे पास आपके पर्सन की तरफ से। ओके गाइस, ये पहला मैसेज आया है, मैंने बोला ना बिल्कुल इनका चाइल्डिश बिहेवियर है, एंड आई एम सीइंग के मुझसे बर्तन इतने अच्छे मैं नहीं धोता, लेकिन मैं धो दूंगा, इट्स ओके
मजाक और ना फ्रेंडली माहौल है, लेकिन भाई बर्तन तो बेचारे से भी ना धुलाना, बेचारा पहले इतना परेशान। ओके, क्वाइट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तुम्हारा ख्याल रखना मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, कहने बहुत रोना आता है क्योंकि हम साथ नहीं और अभी हम एक नहीं हो सकते राइट नाउ। आई थिंक आप लोग सेपरेशन में हैं, सिंगल हैं या जो भी, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। आपके जो फादर हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि इज़ लिटरली स्केयर्ड ऑफ हिम। वो ऑलरेडी स्केयर्ड है, पेरेंटल इशू उनका शुरू से ही है अपने पेरेंट्स के साथ भी। एनीवेज, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ये चैनल सॉन्ग है आपके लिए इनके तरफ से। बहुत बुरा हूँ मैं, मुझे पता है, और मैं भरपाई के लिए भी तैयार हूँ। किसी के लिए मैसेज आया, तुम मेरी सच्ची मोहब्बत हो, प्लीज़ एक झलक दिखा जाओ अपनी। ओह माय गॉड, लिटरली डाइंग टू वॉच यू, सी यू। अच्छा गाइस, आई एम गेटिंग अनदर मैसेज कि अगर तो ये इनके पैरेंटल इशू नहीं है इस पर्सन के, तो फिर ये कोई एक्स पार्टनर इशू हो सकते हैं जिसने इसको बहुत ही बुरा ट्रीट किया है सारी ज़िंदगी, और ये एतमाद विश्वास खो चुका हुआ है रिलेशनशिप्स पे। लेकिन जब ये आपको देखेगा ना, तो उसको बिलीव ही नहीं आएगा कि ऐसा भी होता है रिलेशनशिप में, ऐसा भी कोई इतनी केयर भी करता है, कोई मेरे उठने से पहले ब्रेकफास्ट तैयार भी करके रख सकता है, ऐसी ऐसी चीज़ें। ठीक है, रात को तुम्हारा बहुत सोचता हूँ, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। एंड आई वॉन्ट टू सी, कैसे मैं तुमको बताऊँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं बहुत बहुत प्यार करने वाला हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू मैनिफेस्ट दिस थिंग। आई डोंट नो, मैं इसको अपलोड आई थिंक नियर लॉयन गेट 88 पोर्टल पे करूँगी। एंड यू नीड टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, लाइक दिस रीडिंग, शेयर दिस रीडिंग एंड जस्ट क्लेम दिस रीडिंग। तुम पर मरता हूँ, काश तुम जान पाओ के कितनी चाहत है। यू आर माई फ्लफी मार्शमैलो, ये वैसे प्यार से बोल रहे हैं आपको। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, यू आर माई ड्रीम कम ट्रू, लेट्स स्लीप टुगेदर। तुम्हारी लुक्स बहुत ज़्यादा, यू नो, गॉड किलर लुक्स, बहुत ही खूबसूरत हो तुम। क्या हम दोबारा से सब कुछ रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं? ओके, इतना प्यार दूंगा कि तुम पास्ट के सारे घाव भूल जाओगी। एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एंड व्हाट एल्स, तुम सिर्फ मेरी हो, वेरी पोसेसिव एनर्जी। एनीवेज, दैट वॉज इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 1। सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो यू आर, हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जी, रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, तो हम एनर्जी देखने लगे हैं क्या निकल के आती है, क्या सिचुएशन बन के आती है आपके लिए। ओह माय गॉड, दिस इज़ 4 ऑफ वैंड्स, हाउ ही विल फॉल इन लव विद यू विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली एनर्जी हो सकता है पाइल नंबर 2, इसने आपको किसी इवेंट पे देखा हो, किसी ऐसे इवेंट पे के जहाँ आप काफ़ी, मुझे इधर यू नो, सच्चे धजे लग रहे हो और काफ़ी आप खूबसूरत लग रहे हो यहाँ पर। और मुझे दिख रहा है कि ये सारी रात गए घर जब, तो सारी रात ही आपके बारे में सोचते रहे कि कैसे दिख रही थी, ये था वो था। और समहाउ ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको अप्रोच करने की वहीं पर भी कोशिश की हो, लेकिन नहीं कर पाए, या वट एवर द सिचुएशन वॉज। ओके, लेकिन ये पर्सन
बहुत ही ओवर थिंकिंग करे कर रहा होगा जब यह आपको पहली बारी में देखेगा। आई एम सीइंग गोल्डन लहंगा या पर्पल लहंगा, इस टाइप की चीज़ या साड़ी, आपने कुछ इस टाइप की ड्रेस पहनी हुई भी होगी। ये कोई शादी हो सकती है या हो सकता है ये कोई और इवेंट हो, लेकिन है कोई फैंसी ड्रेस फंक्शन जहाँ पे फैंसी ड्रेस पहनते हैं। ओके, उससे आपने ज्वेलरी पहनी है, काफ़ी आप तैयार हो और ये पर्सन बिल्कुल ही मरमिट है, लव इट फर्स्ट साइट भी हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, जब ये ऑब्वियसली आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तो इनको ऐसे लगेगा कि आप एक यू नो जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत ही वेले होते हैं, यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर लिटिल बिजी पर्सन। आई डोंट नो आप कोई जॉब करते हो, कोई काम करते हो, या पढ़ते हो भी, या जो भी सीन है आपका, लेकिन इनकी नज़र में आप एक उनसे ज़्यादा बिजी इंसान है, ठीक है, और आपके पास टाइम नहीं है। हो सकता है आप इनको डेट के लिए कि जब आपको बोले ना मना कर दो, यू विल लाइक नो भाई मेरे पास इतना वक्त नहीं है, ठीक है ना, फजूल कामों के, और मैं ऐसी लड़की भी नहीं हूँ, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो ऐसी कोई चीज़ मुझे इधर दिख रही है, और ये जो रिजेक्शन है दिल पे ले लेंगे। एब्सोल्युटली दिस पर्सन विल टेक दिस ऑन हिज और हर हार्ट, और विद एट ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स। गाइस, आप अपनी लाइफ में तेज़ी से आगे चलते जाओगे, तेज़ी से आप लाइफ में आगे जाते जाओगे, सक्सेस हर कदम पे आपका वेलकम करेगी, ये आपकी एनर्जी है। ओके, और आप किसी के लिए रुकने वाले नहीं हो, आप एक अनस्टॉपेबल सोल हो अंदर से, जो आप चीज़ हो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका प्रोक्रास्टिनेशन ने रोका हुआ है, अगर आपको कंफर्ट जोन ने रोका हुआ है, तो वो एक अलहदा बात है, वो आपके अपने हाथ में दूर करना, ठीक है ना। Why he will fall for you? Two of fans and ten of fans. Oh my God, guys, you are very strict person. या तो ये आपको पसंद ही नहीं आएंगे, या आपके अपने करियर इश्यूज़ हैं, करियर प्रायोरिटी है, यू विल लिटरली बी लाइक मैंने नहीं रिलेशनशिप में रहना तुम्हारे साथ, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। सेम अगेन एंड अगेन रिजेक्शन, आई थिंक ये चीज़ इनको आपका ऑब्सेस कर देगी, क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये दिल पे ले लेता है, और रातों को फिर जुनो देर देर तक सोचना, ऐसी चीज़ है। एम्प्रेस, आई वांट टू सी यू विद वर्ल्ड। कुछ लोगों के केस में गाइस हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आप मटर्नल वो हैं वाइब्स इस पर्सन को फील होंगी। मटर्नल वाइब्स क्या मतलब, बहुत ज़्यादा आप गिविंग हो, केयरिंग हो, आप पेट्स के साथ बहुत अच्छा प्यार करते हो, आप बहुत ही यू नो सॉफ्ट सी, बहुत जेंटल सी, प्यारी सी चीज़ हो, फेरी टाइप ना, और अपने माइंड में एक ऐसा इमेज उन्होंने बना लिया होगा आपका, आप फेरी टाइप हो, और वर्ल्ड एनर्जी मतलब उनको पूरी दुनिया आपके अंदर ही नज़र आने लगी, जिससे फिर डिवाइन की तरफ से अट्रैक्शन होती है, आप दोनों की शादी जो नहीं हुई, ठीक है। तो एक आइडियालाइज ये इंसान कर लेगा आपको कि आप ऐसी हो, आप वैसी हो, ऐसी दिखती हो, स्पेशली अगर आप कोई यू नो थोड़े से फ्रॉक्स टाइप गर्लिश कपड़े पहनते हो, गर्लिश कपड़े ड्रेसिंग, तो वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, फेमिनिटी आपकी, आपका नेल पेंट, आपके हाथ, शायद आपके हाथ नाजुक हैं, या आपकी नेल्स बहुत प्यारे हैं, या उस दिन बहुत प्यारे लग रहे थे, व्हाटएवर, ठीक है, आपके बालों के कर्ल्स, एक एक चीज़ ये बंदा नोटिस कर रहा है, लिटरली फॉलिंग फॉर योर लुक्स, बोली मेरा कोई कसूर नहीं, इज़ लिटरली फॉलिंग फॉर योर लुक्स एंड नॉट फॉर योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इसलिए नहीं क्योंकि हाँ बार 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 उनको जो रिजेक्ट करे जा रहे, तो वो क्या पर्सनैलिटी का इंप्रेशन लेंगे आपकी। एनीवेज, आगे चलते हैं, अगेन यहाँ पे सेल्फ डिफेंस है एंड टू ऑफ कप्स। एनीवेज गाइस, समहाउ किसी ना किसी तरह से ये आपका दिल जीत ही लेंगे,
क्योंकि आप जितना इनसे बचो, जितना आप इनसे बचो, आप नहीं बच सकते फाइनली, क्योंकि ये इतना चिपकू है, ये इतना चेजर है, ये इतना आपके नाक में दम करेगा, लिटरली ही विल चेज यू। और आपको इनके आगे हथियार डालने ही पड़ेंगे, इनकी मोहब्बत के आगे, क्योंकि हो सकता है आप एक दो इनके टेस्ट लोगे, क्या वाकई इंटरेस्टेड है मेरे में कि ये ऐसे ऊपर ऊपर से यू नो, और जैसे फ्लर्ट है और झूठा है, फ्रॉडी है, तो आई थिंक ही विल पास द टेस्ट। एनीवेज आगे चलते हैं कि व्हाट विल मेक हिम फॉल फॉर यू। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड एंड हर्मिट एनर्जी। प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, यहाँ पे सारे इधर पता नहीं क्यों पटाखे फोड़ रहे हैं। आई एम जस्ट गैसिंग इट्स योर मैरिज, एवरीबॉडी इज स्क्रीमिंग आउटसाइड, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है भाई, सारे ऐसे पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं और ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं, मुझे नहीं पता। सो आई थिंक यूनिवर्स इज ऑल्सो हैप्पी फॉर योर मैरिज। तो एनी वेज वट एवर, यहाँ पर कोई इवेंट नहीं है, ये पता नहीं क्यों अचानक से शुरू हो गया। एनी वेज, स्ट्रेंथ एनर्जी है और हर्मेट एनर्जी है, तो आपकी एक ऐसी वो चीज़ है कि आप का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, जिसके लिए जब भी आपको डीप जानेंगे ना, ऑब्वियसली आप उनको भाव ही नहीं दे रहे हो, तो ऑब्वियसली इंप्रेशन तो उन पर ठीक है, उनका दिल टूटेगा, लेकिन कैरेक्टर वाइज तो स्ट्रांग इंप्रेशन जाएगा ना, क्योंकि हर्मेट एनर्जी है, ये बिल लाइक अगर मेरे को भाव नहीं दे रही, किसी को भी नहीं देती होगी, ठीक है, इसका मतलब मैं कैरेक्टर की स्ट्रांग लड़की है, तो ये चीज़ उनको और भी ज़्यादा आपके और मोहब्बत में डालेगी। इज इट थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यू आर द पर्सन ऑफ यू नो योर करियर एंड किंग ऑफ वैंड्स। गाइस, हो सकता है आप अपने करियर पे पहले फोकस करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन ये इंसान किंग ऑफ वैंड्स है, ये इतना ज़्यादा आपके अट्रैक्टेड होगा, इतना आपके ऊपर मरने लग जाएगा, ये विल लिटरली बी लाइक ठीक है तुम करियर परस्यू करो, मैं तुम्हें कोई करियर जो है परस्यू करने से रोक रहा हूँ, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने का कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा कि तुम जो है वो करियर परस्यू करो, परस्यू ना करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा, ऐसे नहीं कहूँगा मैं तुम्हें। ही इज़ लिटरली किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है आपकी ओर, इतना ज़्यादा उसको यू नो, स्पेशली दिस किंग ऑफ एक्शन, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड, मार्स एनर्जी है, एक्शन है, बाहर पीछे पटाखे भी फूट रहे हैं, ठीक है, एवरीबॉडी इज स्क्रीमिंग आउटसाइड, आई डोंट नो, मे बी इट्स योर एनर्जी, मे बी इट इज़ हिज एनर्जी, एवरीबॉडी इज़ हैप्पी फॉर योर मैरिज एंड मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और यू नो एस ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, I'm getting a new, you see, a new vibe and a king of pentacles. This is the second king, I guess. Well, energy ये है guys, आप इनको underestimate कर रहे हो, ठीक है, I just got a general message, हो सकता है कि ये person बहुत ज़्यादा financially well off है from the family background, लेकिन ये इतना show नहीं करेगा आपको, maybe he's testing you as well. जिससे आप इनको टेस्ट कर रहे हो, वो भी आपको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ही विल इज लिटरली बी लाइक के मैं देखूँ तो सही है कैसी, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ टाइम है, वाइफ बनाना है, पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, बच्चे पैदा करने हैं, नेक्स्ट जनरेशन का सवाल है, तो पीपल डोंट टेक रिस्क नॉर्मली इस चीज़ों में ज़्यादा, जो यू नो समझदार लोग होते हैं, तो आई थिंक ये अपनी आइडेंटिटी छुपाएंगे शुरू में, या ऐसे चिपकू सा इस टाइप की चीज़ बन के, जो उनकी पहली एनर्जी मैंने बताई है, हो सकता है ये डिसगाइज्ड हूँ, बिकॉज आई एम सीइंग अ वेरी वेरी मच्योर पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में है, बिजनेसमैन है, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके, और काफ़ी कमिटेड पर्सन है ये, तो हो सकता है इनकी रियलिटी का आपको बाद में पता चले, जब ये आई थिंक फैमिली के थ्रू आपसे बात करे ना, तो तब आपको उनकी फैमिली का पता चले कि अच्छा ये उस फैमिली से है, मैं तो इसको पता नहीं क्या क्या सुना दिया, क्या कुछ कह दिया इसको मैंने। एनीवेज, आई एम सीइंग अ पेज ऑफ वैंड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इस पर्सन की ना जज्बात आपके लिए कभी नहीं बदलेंगे, मतलब जो जितना ये प्यार आपसे करता है ना,
ये वहीं रहेगा, क्योंकि यू नो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। आपने इसको जो इम्प्रेशन दे दिया शुरू शुरू में, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का और लाइक करियर और ये और वो, उसके जहन में सारी ज़िंदगी यही चीज़ें बैठी रहेंगी। वे लिटरली भी लाइक ये ऐसी ही है और लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है ये, तो ये विल लिटरली बी फॉलिंग फॉर, इनको ऐसा एक पार्टनर चाहिए स्ट्रॉन्ग वाला ना, स्ट्रॉन्ग, ये विल फॉल फॉर यू। अच्छा, ask for help. Another thing I'm guessing over here, कि यही हो सकता है ये पर्सन आपको जब अप्रोच करना हो ना, इसने बात करनी हो पहली बारी, तो आपसे किसी चीज़ की मदद मांगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कुछ कहे कि टाइम क्या हुआ है, टाइम बताएंगी प्लीज़, या और क्या तरीके होते हैं रखोगे, या आपसे कुछ चीज़ मांगने हैं, आपके पास ये है वो है, तो बहाना बहाना, तो that is thing I'm here. हो सकता है आप कर भी दो हेल्प। हैव फेथ एंड चूज लव, लिसन विद योर हार्ट। यहाँ पे गाइस सारा हार्ट कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, और ये जो बंदा है ना, ये ट्रू लव पर बिलीव करता है। अब इसके इतने बुरे हालात नहीं हुए कि लव पर बिलीव ना करे। इसने शुरू से ही अपने पेरेंट्स को यही बोला हुआ होगा कि मैं अपनी मर्ज़ी की लड़की से शादी करूँगा, मैं लव मैरिज ही करूँगा चाहे जो मर्ज़ी हो ले, ठीक है। तो ये हमेशा ये इनको इन्होंने अपने पेरेंट को खुद ही बताया होगा कि मैं अपनी लड़की अपने दुल्हन खुद चुनूँगा, खुद ढूँढूँगा। तो आई डोंट थिंक सो कि उनके पेरेंट्स ने कोई ढूँढी होगी, या आपके यू नो कम्पिटिशन में कोई ऐसी खड़ी की होगी उन्होंने, नो, बिकॉज दिस इज़ इंडिपेंडेंट पर्सन, और ये इंसान जो है अपने दिल की सुनता है, अपने दिल की सुनता है, ये किसी की नहीं सुनता। ऑल राइट, सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, आपकी केयरिंग नेचर, आपकी छोटी छोटी बातें ये बहुत नोटिस करता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास से कोई बिल्ली गुजरी है, कैट, आपने कैसे रिएक्ट किया है इसके साथ, ठीक है, आपने यू नो आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे हो, अगर आपके पेरेंट की कॉल आ गई है बीच में, ठीक है, मॉम की या डैड की, तो आपने किस तरह से उनसे बात की। ये बंदा छोटी छोटी बातें जो है वो नोटिस करता है, ये इनकी आदत है। स्लो डाउन, इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं, और स्पेशली आपकी केयरिंग, या आप इंट्रोवर्टेड है, आई थिंक आप इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो पार्टीज़ में जाना और यू नो बहुत ज़्यादा एक्सपोज करना अपने आप को, या बहुत ज़्यादा कपड़े ऐसे पहनना जिसमें स्किन एक्सपोज हो रही हो, तो ये सब चीज़ें आप में हैं ट्रेडिशनल थोड़ी सी, तो इस बंदे को पसंद आएगी ये चीज़ें। इज अ फॉलिंग फॉर यू, लव इज़ ऑल अराउंड यू। एनीवेज ये इंसान ट्राई बेस्ट करेगा कि एक तो आप को ऐसे लगे कि एक ऑरा है आपके गिर्द प्यार का क्रिएट करेगा ये इंसान, ठीक है। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको इनकी प्रेजेंस में ऐसे लगेगा कि आप मोहब्बत से सराउंड किए हुए हो, लव इज़ ऑल अराउंड यू, और सेम उनको भी अपने लिए ही फीलिंग आएगी कि जब आपसे बात करते हैं उनको ऐसे लगेगा कि प्यार ही प्यार है हर तरफ, ठीक है। ऐसे उसके बाद मुझे ऐसे दिख रहा है कि इंसान आपको गिफ्ट्स से भी, आपको उनके लव लैंग्वेज में गिफ्ट देना भी हो सकता है। आई एम सीइंग ज्वेलरी हुआ है, किसी भी किस्म की ज्वेलरी, पर्ल्स की, सिल्वर की, गोल्ड की, डायमंड की, कुछ भी। ये आपका आप बड़ी कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी हो पालतू, आपको जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये इंसान फुल कोशिश करेगा कि मैं आपको पूरी तरह से जाने आप क्या चीज़ हो, बिकॉज यू आर नॉट यू आर एब्सोल्युटली नॉट ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ हिम। आप कोई बात करते ही नहीं हो ना शुरू में उनसे, उनकी बात ना सुनते हो ना उनसे कोई बात करते हो, तो दैट इज़ एम थिंग आई एम सीइंग ओवर हियर, कि बहुत ही क्यूरियस क्यूरोसिटी में इंसान काफ़ी रहेगा कि लाइक व्हाट इज़ दिस, मैं कैसे इसको जानूँ, कैसे इसको पहचानूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ। एनीवेज आपके मिस्टीरियस ऑरा इनको ज़्यादा हुक्ड अप रखेगा अपने साथ, मिस्टीरियस एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है, और ये बंदा एक्सप्लोरर है। अब आप हिसाब लगाओ कि क्या केमिस्ट्री है, एक बंदा मिस्टीरियस है, ठीक है, दूसरा एक्सप्लोरर है,
तो आप सोच लो आपके कितना ज़्यादा वर्क करेगा आपके ऊपर वो। लव मैसेजेस हैं इनकी तरफ से, गर्लफ्रेंड नहीं तुम्हें वाइफ बनाना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा हाथ मैं थाम सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ? इस परमिशन से मांगते जा रहे हैं। एनीवेज आई रियली ड्रीम अबाउट यू, आपके सपने भी देखें भाई। तुम क्यों इतनी परेशान हो? ओके, ये इनको थोड़े नॉटी हैं एंड ही लाइक्स दैट नॉटी स्टफ। ओके, यू नो व्हाट आई मीन, ट्विन फ्लेम रीयूनियंस। ओके, मे बी, हु नोज, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। क्यों हम साथ नहीं हैं अभी? एंड चाहते हैं कि आप लॉयल रहें, ठीक है? बिल्कुल वफा जो है, वाइफ पत्नी ये सब चीज़ें वो चाहते हैं, ट्रेडिशनल वाइफ इस टाइप की। साड़ी में इनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। ये चैनल सॉन्ग है, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ, एवरीबडी नोज दिस सॉन्ग, तो ये आपके लिए है। मेरी ज़िंदगी हो तुम, ये भी गाना है, चैनल सॉन्ग है। एंड ये ज्ञान है सॉन्ग है भाई, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बच्चों जितना हम तुमको चुरा लेंगे। ओ माय गॉड, जस्ट फील, कितना ज़्यादा फिट हुआ इस रीडिंग में ये गाना, कि यू, मैंने आपको बोला ना कि यू आर अ मिस्टीरियस पर्सन, ही इज़ एक्सप्लोरर, ठीक है? ये आपको पा के रहेगा, कह रहे कि तुम जितना मर्जी छुप लो। हम तुमको चुरा लेंगे। वाह, ओह वाई आई एम फॉलिंग फॉर यू। अच्छा, उनको खुद भी नहीं समझ आ रही कि मैं क्यों मरे जा रहा हूँ उसके ऊपर। गॉश, तुम्हारी आँखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, एक दफ़ा कहीं दिख जाओ प्लीज़। जस्ट डाइंग टू सी यू, लिटरली लिटरली। तुम्हें बहुत सोचता हूँ मैं रात को। एनीवेज, आपके जो डैड हैं आपके जो डैड हैं, हो सकते हैं उनसे एक दो दफा उनको झाड़ पड़े, बिकॉज ही इज़ लिटरली चेजिंग यू एवरीवेयर। तो ये सही कि आपके डैडी बहुत ज़्यादा, मुझे डर लग रहा है उनसे, डर लगता है। तुम्हें मैं हमेशा खुश रखूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा हमेशा, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने मुझे जीना सिखा दिया है। तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा यू नो अट्रैक्टिव है। इतना प्यार दूंगा कि तुम पास्ट के सारे गमों को भूल जाओगी। क्यों हम एक नहीं हो सकते? मुझे बहुत रोना आता है। ओ, आप इतने रिजेक्शन्स इनको इतने दिए हैं, तो फिर खुद से ज़्यादा मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। कम लेट्स कदल माई गर्ल, यू आर सो स्पेशल फॉर मी। मेरा मेरा यू नो सपना सच अगर कोई हो तो वो तुम हो। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। एंड ये क्या है, भाग्य को बदलेंगे, भाग्य को बदलेंगे। ओके, वाओ, क्रिकेट लवर हो सकता है। एंड बहुत बुरा हूँ आई नो, बट आई एम रेडी फॉर अमेंडमेंट, ठीक है? एंड तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। एनी वेज, दैट वॉज इट फॉर टुडे माय लव, आई विल सी यू माई नेक्स्ट रीडिंग, एंड या सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।